मैं शिवम हूँ, आप जेएसडी न्यूज देख रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को ढूंढा जा रहा था। पिछले कई दिनों से जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव आखिर है कहाँ और कहाँ से आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने क्यों गायब हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब उस सवाल पर विराम लगने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव रांची गए हैं और अपने पिताजी से मिलने गए हैं। क्योंकि अब इस सवाल पर विराम लगने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव रांची पहुंचे हैं और आज वो अपने पिताजी से मिलेंगे। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 12 से 4 बजे के बीच दोपहर जो है उनकी मुलाकात होगी पेइंग वार्ड में, और उसके बाद वहीं पर दोपहर का भोजन भी होगा, जो बातें निकल कर आ रही है। लालू प्रसाद यादव के साथ ही आज भोजन भी करेंगे दोपहर का, उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव काफी खुश हैं और इस बात को लेकर खुश हैं कि उनके ना रहते हुए भी जो है आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और उसको कौन उभारा है, केवल तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को लेकर जो लालू प्रसाद यादव हैं वो खुश हैं, और 6 महीने बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जा रहे हैं अपने पिता से मुलाकात करने, और चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव अपने पिता से मुलाकात करने जा रहे हैं। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगा और देखरेख भी होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ रही है और इस तबीयत को लेकर भी हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव उन्हें देखने गए हैं, हालचाल जानने गए हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में बता दें, वो सजायाफ्ता हैं, कई जो मामले हैं उन पर दर्ज है अवैध निकासी के, और इसको लेकर उनको सजा दी गई है और इसीलिए वो सजा काट रहे हैं, और उनकी तबीयत अभी बिगड़ी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि 4th स्टेज पर उनको प्रॉब्लम है, किडनी का 4th स्टेज का प्रॉब्लम है, और 25% ही महज किडनी उनकी काम कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि डायलिसिस भी करना पड़े। ऐसे में क्या कुछ खबर आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यही कि तेजस्वी यादव रांची पहुंचे हैं, तमाम कवायद के बाद वो अपने पिता से मुलाकात करेंगे। आपको मैं सही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिए।